हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है शिवराज यादव। सो मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी DMs आ रहे थे कि हमें एक 6-seater की कंफर्टेबल कार सजेस्ट करिए इन लो बजट। सो अगर आपको इनोवा क्रिस्टा जैसा कंफर्ट आदि प्राइस में चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि XL6 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सो XL6 में दो वेरिएंट आते हैं जो कि सेकेंड टॉप एंड टॉप है, जेटा एंड अल्फा। उसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो आज हम जेटा मैनुअल वेरिएंट, जो कि XL6 का अपन बेस वेरिएंट बोल सकते हैं, सो मैं आज आपको जेटा वेरिएंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, प्राइस स्पेसिफिकेशन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज ऑल न्यू XL6 इन अर्बन रेड कलर। आपको इसमें 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम जेटा वेरिएंट है ₹9,84,000 एंड ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, बट इंदौर की है ₹11,06,000। हेडलैम्प से स्टार्ट करें तो इसमें मिलते हैं क्वाड चैम्बर LED हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग लाइट एंड टर्न इंडिकेटर है। एंड ये क्रोम स्ट्रिप आप देख सकते हैं DRL से पूरी मर्ज हो रही है एंड सेंटर में सुजुकी की बैजिंग। ग्रिल जो नॉर्मल ब्लैक है उस पर आपको क्रोम इनहांस होते दिख रहा होगा एंड ओवरऑल एक अर्टिगा का अपडेट वर्जन है XL6। नीचे देखा तो LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में एंड ये स्किड प्लेट फ्रंट एंड बैक में मिलेगी जो लुक बहुत बड़ा देती है। इंजन स्पेसिफिकेशन डिस्कस करें, 1462cc का BS6 कंप्लाइंट K15 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है जो 103 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 138 Nm का टॉर्क। माइलेज अराउंड 19 क्लेम करती है कंपनी, इट मीन 17-18 KMPL इजीली निकालेगी। यहाँ पर भी आप XL6 के स्पेसिफिकेशन क्रॉस चेक कर सकते हैं, लाइक इंजन एंड डायमेंशन से रिलेटेड सारे डायमेंशन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब आ गया हूँ इसकी साइड प्रोफाइल की ओर, तो बहुत ही लंबी है ये कार, इससे आप पता लगा ही सकते हैं कि 6 लोग कितने कम्फर्टेबल बैठ सकते हैं अंदर। टायर साइज की बात करें तो 185/65 R15 inches के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं विद ब्लैक अलॉय व्हील। रियर में है टॉर्सन बीम सस्पेंशन एंड ये बॉडी क्लैडिंग पूरी आपको फ्रंट से लेकर एंड तक मिलती है एंड वहीं फ्रंट में दिया है मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन। डायमेंशंस देखे तो 4445 mm की लेंथ, 1775 mm की विड्थ एंड 1700 mm की हाइट मिलती है। इसमें ORVMs मिलते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ, ऑटो फोल्ड है और आपको पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड करे हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर एंड सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी आपको ये कार। डोर्स पर आपको ये ऑटो लॉक अनलॉक सेंसर्स भी मिलते हैं एंड ओवरऑल कार का पूरा लुक ये रग्ड बॉडी क्लैडिंग के कारण बढ़ रहा है, जो आप ये फ्रंट से लेकर एंड तक देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है बिकॉज नाइट में इसके टेल लैंप्स बहुत सही लगते हैं। ऊपर देखे तो हाई माउंट स्टॉप लाइट, रियर वॉशर, डिफॉगर एंड रियर वाइपर मिल जाते हैं। रियर टेल लैंप्स फुल LED दिए हैं एंड बहुत ही शार्प लुक प्रोवाइड करते हैं। आई विल सजेस्ट कि एक बार आप इसका नाइट आउटपुट जरूर देखिएगा। ये पूरी क्रोम स्ट्रिप प्रोवाइड करी है एंड इसके ऊपर जो पियानो ब्लैक फिनिश है, सारे कलर्स पर ब्लैक कॉमन ही रहने वाली है। यहाँ पर आपको XL6 की बैजिंग मिलती है एंड राइट साइड में स्मार्ट हाइब्रिड की वेरिएंट की कोई भी बैजिंग प्रोवाइड नहीं करी है। नीचे टोटल 4 पार्किंग सेंसर दिए हैं एंड ये है रियर बॉडी क्लैडिंग, जो कि MPV को एक क्रॉसओवर SUV का लुक प्रोवाइड करती है। सो अब इसकी बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं, तो 209 लीटर की मिलती है। तो अभी थर्ड रो पूरी फोल्ड है एंड आगे दोनों कैप्टन सीट्स देख सकते हैं, सेम लाइक इनोवा क्रिस्टा एंड काफी कंफर्टेबल भी है। थर्ड रो के लिए बोथ साइड्स कप होल्डर मिल जाते हैं। सीट्स को ऊपर कर लेते हैं पहले, सो ये रिक्लाइन एडजस्टेबल भी हो जाती है इस टाइप से एंड ये है आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बाकी ये ट्रे है, इसके नीचे टूल किट मिलती है, अब हटा भी सकते हो ये ट्रे एंड जो स्पेयर व्हील है वो आपको नीचे अंडर बॉडी माउंटेड मिलेगा, जो कि बूट की स्पेस बचा लेता है। तो ये थी ओवरऑल इसकी बैक प्रोफाइल। इंटीरियर चेकआउट करते हैं, तो डोर्स पर आपको चारकोल टाइप वुडन फिनिश मिलती है एंड ये है इनर डोर हैंडल, लॉक अनलॉक कंट्रोल, ORVM एडजस्टेबल एंड पावर विंडो कंट्रोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे 1 लीटर बेवरेज होल्डर एंड थोड़ी यूटिलिटी स्पेस मिलती है। अंदर बैठ चुका हूँ मैं। अब स्टेयरिंग देखे तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जो देखने में बहुत ही स्पोर्टी लगता है। लेफ्ट में देखे तो इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, वॉल्यूम मोड्स जैसे, नीचे कॉल पिकअप एंड एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड करा है।
सेंटर में सुजुकी की क्रोम बैजिंग, डोर ओपन है तो शो हो रहा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पर, सो पहले बंद कर लेते हैं। बाकी इसको डिस्कस करें तो लेफ्ट में आरपीएम मीटर, राइट में स्पीडोमीटर एंड सेंटर में टीएफटी डिस्प्ले है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको इन्फोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर समझाया है, लिंक आपको भी आई बटन पर आपको मिल जाएगी, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रंट में टोटल 4 एसी वेंट्स मिलते हैं एंड ये जो फिनिश है ये वुडन टाइप लगती है बट ये प्लास्टिक है। ये है टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम एंड पूरा इंटीरियर आपको बहुत हद तक अर्टिगा से सिमिलर लगेगा। एंड ये जो फिनिश है ये आप चाहे तो एज एन एसेसरी भी लगवा सकते हैं डिफरेंट पैटर्न में, लाइक चारकोल पैटर्न, वुडन पैटर्न, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये है पार्किंग स्विच एंड नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एंड यहाँ से ब्लोअर स्पीड। फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ये है ऑटो, अगर ऑटो एसी चलाना है एंड यहाँ से ऑफ का ऑप्शन। नीचे देखें तो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड उसी के पास यूएसबी एंड ऑक्स का पोर्ट दिया है। यहाँ अगर वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करते तो ज़्यादा बेटर रहता, बाकी यहाँ जो आप कप्स या कैंस कुछ भी रखेंगे तो ये चिल कर सकता है, जो कि आपको एक फ्रीजर टाइप काम करेगा। एक बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे अर्टिगा एंड एक्सएल 6 का। ये 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट, जेटा एएमटी भी अवेलेबल है अगर आपको ऑटोमेटिक कार लेनी है तो। ड्राइवर साइड सन वाइजर टिकट होल्डर के साथ, को ड्राइवर पर एज यूजुअल वैनिटी मिरर के साथ एंड ये आपका सन ग्लास होल्डर एंड दोनों आपको कैंडल लैंप्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। सो ये था ओवरऑल इंटीरियर, प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी यूज करिए एंड बड़ा यूज लगता है इंटीरियर। ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक ही स्पेस मिलती है एंड इसका जो इंटीरियर की टेक्सचर क्वालिटी है वो थोड़ी अलग लगेगी अगर स्विफ्ट बलिनो या एस्क्रॉस से कंपेयर करें तो। कॉमन नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे एंड फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील के कारण और भी लुक इसका बढ़ जाता है, बिकॉज आप बाकी मारुति की कौन सी भी कार देखेंगे तो सारा इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम रहता है, जो कि बहुत एक और चीज लगी मुझे। आप वहाँ एस्क्रॉस देख सकते हैं, उसका बेस वेरिएंट में स्टेयरिंग पर कुछ फीचर्स भी नहीं है बट एक्सएल 6 के दोनों वेरिएंट आपको सारे नेसेसरी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं दोनों साइड, क्योंकि इसकी क्लियरिटी और भी इम्प्रूव कर देते हैं। अब इसकी रियर सीट्स चेकआउट करें तो डोर्स पर आपको सेम बॉटल होल्डर, स्पीकर्स एंड थोड़ी डॉक्यूमेंट्री स्पेस मिल जाती है। सो अंदर बैठ गया हूँ मैं, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, सीट्स को पूरा पीछे भी कर सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस पर बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करती है एंड पूरा इनोवा का फील मिलेगा आपको इसमें एंड काफ़ी अच्छी स्पेस पीछे भी मिलती है एंड आपकी जो सीट्स है वो आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर 4 एसी वेंट्स मिलते हैं सेम इनोवा जैसे एंड टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहीं पर आपको इंडिविजुअल आर्म रेस्ट मिलता है। सो ये सेकेंड रो कैप्टन सीट बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है आपके लिए। सो एक बार पीछे चल कर देख लेते हैं। सो गाइस अभी आपको मैं बता देता हूँ कि सेकेंड रो पूरी पीछे है, उसके आगे वाली सीट्स भी पूरी पीछे है, फिर भी आप देख सकते हैं मैं कितना कंफर्टेबल बैठा हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी रिक्लाइन हो चुकी है एंड इसे चाहे तो थोड़ी पीछे और कर सकते हैं, लाइक अभी मैंने कर दी है एंड सारे रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड करे हैं, कप होल्डर्स भी। एक और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड कराए। फ्रंट में सेकेंड रो के लिए सेंटर में मिलता है। इसके रियर एसी वेंट्स वहीं पर है बिकॉज वहां से काफी अच्छी चिल कर देती है पूरा केबिन। सीट्स बेल्ट एंड ग्रैब हैंडल थर्ड रो में भी प्रोवाइड करे हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड एक्सएल 6 से रिलेटेड सारी चीजें आपको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है एंड मेनली जो सेकेंड एंड थर्ड रो है उसकी स्पेस भी मैंने पर्सनली आपको बैठ के बता दी कि आपको पता लग जाए एंड जो सेकेंड रो की कैप्टन सीट से वो भी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, मतलब आपको सेम इनोवा क्रिस्टा टाइप कंफर्ट मिलने वाला है एंड वो भी 11 लैक्स में आपको मारुति सुजुकी इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, लाइक अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, मतलब जो सारे नेसेसरी फीचर्स है वो आपको एक्सएल 6 में मिलने वाले हैं। सो आई विल सजेस्ट आपके लिए 6 सीटर में एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड सब्सक्राइब के पास ही आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।